नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन वसुंधरा। स्थित मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार गदिया ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में अन्य महापुरुषों की तरह महाराणा प्रताप भी नौजवानों के प्रेरणा स्रोत हैं। विषम परिस्थितियों में भी अडिग खड़े रहने का हुनर महाराणा प्रताप के पास था। वो देश के ऐसे सर्वमान्य नेता रहे जिन्हें जीव जानवर भी प्यार करते थे। महाराणा को उनकी टीम ने ही महान बनाया। उन्होंने महाराणा के चेतक घोड़े और राम प्रसाद हाथी की स्वामी भक्ति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इतिहासकार और कवियों की माने तो महाराणा प्रताप ने देश के लिए घास की रोटियां खा आदिवासियों के बीच रहकर अपने वतन के लिए संघर्ष किया। ऐसे महापुरुष विरले ही पैदा होते हैं। मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की निदेशिका डॉक्टर अलका अग्रवाल ने अपने विचारों में महाराणा प्रताप के प्रसंग सुनाए। इससे पूर्व डॉक्टर गदिया और मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की निदेशिका डॉक्टर अलका अग्रवाल ने महाराणा प्रताप माँ सरस्वती व भारत माता की प्रतिमाओं के समक्ष दीप प्रज्वलन के बाद पुष्प अर्पित कर अपनी भावांजलि दी। समारोह में सरस्वती वंदना से शुरू हुआ। इसके बाद एकल गीत संभाषण व कविताओं और स्लोगन के जरिए विद्यार्थियों ने महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा सुनाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों में प्राची, दामिनी, अनुराग, अर्चना, आयुषी, मणि, शीतल आदि थे। समारोह का संचालन विनय और अर्चना ने किया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के प्रमुख, फैकल्टी, स्टाफ, छात्र छात्रा आदि मौजूद थे।